जिला किन्नौर में इस वर्ष बरसातों के दौरान भूस्खलन, बाढ़, चट्टानों के गिरने से सरकारी व निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। जिला के पूह खंड के ग्रामीणों क्षेत्रों में तो बादल फटने से सेब के लाखों के बगीचे और मटर की खेती को बाढ़ के साथ आए मलबे ने तबाह किया है। ऐसे में इस वर्ष जिला के अंदर बारिश के चलते 8 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हुई है, जिसमें सबसे अधिक नुकसान जिला के पूह खंड के शलखर, चांगो, चुलिंग, हांगो में हुआ है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में सांगला गांव के मध्यनाले में बाढ़ से सेब के बगीचे तबाह हुए हैं। डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि जिला किन्नौर के सूखग्रस्त क्षेत्र चुलिंग, हांगो, शलखर, चांगो ग्राम पंचायत में बारिश के चलते व बादल फटने से लाखों के सेब बगीचे व मटर की खेती को नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा ग्रामीणों के मकान, वाहन, सरकारी संपत्ति को करोड़ों का नुकसान हुआ है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, इस बार जो है काफ़ी बारिशें हुई और काफ़ी जगह हमारे क्लाउड बर्स्ट भी हुए, स्पेशली हमारे पू सब डिवीजन में। तो हमारा जो टोटल लॉस जो हमने एनालाइज किया है वो अराउंड 8.27 करोड़ हैं। तो उसमें से भी जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो हमारे IPH को हुआ है 3.7 करोड़ का और PWD को 2.2 करोड़ का। बाकी 10-15 लाख हमारे रोड्स और बाकी कुछ छोटे मोटे चीज़ों में हुए हैं। तो टोटल हमारा जो लॉस हुआ है 8 point, बट इस बार ये हम फॉर्चुनेट रहे हैं कि कोई भी हमारा जानी नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल हमारी काफ़ी जो है जानी नुकसान हुआ था मिकुलसरी, बक्सरी और बाकी जगहों पर, बट इस साल हम फॉर्चुनेट रहे हैं कि इस साल हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बट माली नुकसान 8.25 करोड़ का हुआ।